अच्छा सुनो बेन, ये बात याद रखना कि इसको जितना तुम पकाओगे इसका टेस्ट उतना ही ज्यादा मजेदार होगा। ठीक है ग्रैंडपा, मैं समझ गया। ऐसे ये मेरी लाइफ की बेस्ट ट्रिप थी। पता नहीं तुम्हारी कजिन ग्वेन ने इसे मिस क्यों कर दिया। सच्ची में छुट्टियों में पढ़ाई कौन करता है यार। ओके, इसके बाद तुम मेरे साथ कहीं चलना पसंद करोगे? बेन, तुम्हारा स्मार्ट जल रहा है। शुक्रिया ग्रैंडपा, सॉरी मैं आप पर ध्यान नहीं दे रहा था। हे, कोई बात नहीं, ये तो काफी एडवेंचरस थी। हमें इसमें ये वॉच भी मिल गई। ग्रैंडपा पीछे देखिए। हाँ भागो। ओ अब तुम कौन हो? हे, तुमने बूढ़ा किसे बोला? ग्रैंडपा, हे कौन हो तुम? एलियन? ओमनीट्रिक्स की दुकान, ओमनीट्रिक्स बेचने वाले? लेकिन तुमने आने में देर कर दी, मेरे पास पहले से एक है। ओ, मजे की बात तो यह है कि मैं इसे चलाना भी जानता हूँ। फालतू के डायलॉग, अब तो तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। अब तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है? ग्रैंडपा, तुम्हें तो मिस हो गया। कौन हो तुम? हे, नहीं रुको। बेन, तुम्हारी जान इसे तोहफे दूँ। ओ नहीं, फिर से नहीं। कौन हो आप? ग्रैंडपा? हाँ, पर पूरा नहीं। चलो देखने दो क्या हुआ। वो मेरा ओमनीट्रिक्स अपने साथ ले गया। तुम्हें चोट भी दे गया। चलो हिलना मत, वरना ज्यादा दर्द होगा। वो कैसे? तुम ये जानकर काफी हैरान होगे कि मेरे बहुत बार काम आता है, मुश्किल वक्त में भी। तुम ये मानो या ना मानो, बट ये सबसे बुरा प्लान था तुम्हारा। मेरा मतलब है मेरा। ये थोड़ा सा अजीब है। ग्रैंडपा, शुक्र है आपको कुछ नहीं हुआ। तुम दोनों तो ठीक हो जाओगे, पर इस रस बकेट का क्या? मुझे कैरेमल क्रंच चिप्स खाने हैं, मुझे भूख लगी है। वही चिप्स जो अजीब लाल लाल सी होती है। पर वो था क्या? मुझे मेरा ओमनीट्रिक्स वापस चाहिए। सॉरी बेन, अब वो चला गया है हमेशा के लिए। Interdimensional coordinates 12041.5। आज एक और अल्टरनेट बेन पर अटैक हुआ है। एक और ओमनीट्रिक्स आ चुका है अब उस एलियन एक्स के पास।
शायद ये वाला पेन अभी तक बचा हुआ है। हमने एक और ओमनिट्रिक्स गवा दिया है उस एलियन एक्स के हाथों। बहरहाल ये वक्त बदला लेने का नहीं है और कुछ बचाने को बचा भी नहीं है। मुझे बचाने होंगे बाकी पेन उस एलियन एक्स से। मुझे जानना होगा कि मैं उससे कैसे जीत सकता हूं। उस डायमेंशन को ढूंढो जहां पर एलियन एक्स नहीं गया। हमें उससे पहले वहां पहुंचना। ये रहा ID coordinates 27998.3. Space parasite. मेरे ख्याल से यहां से निकलना ही बेहतर होगा। भागो। यहां कुछ नहीं है। ज़ोंबोज़ो, बस बहुत हुआ, शॉक रॉक बन रहा हूँ। हे, कैसे रहेगा अगर पहले तुम मुझे खोल दो? ग्वेन, मैंने तुम्हें बोला था ना कि रस्पकेट के पास खड़े होना, तुम हमेशा मजा खराब करती हो। इसमें क्या मजेदार है भला? एक क्लाउन जिसने ग्रैंड मैक्स को हिप्नोटाइज कर लिया और मुझे इन चीप वायर से बांध दिया है। हाय, मैंने उसके लिए अच्छे पैसे भरे हैं। और अब उसने रस्पकेट को हाईजैक कर लिया है फिर से। हाँ, तुम ये बार बार क्यों करते हो? क्या तुम्हारे पास कोई क्लाउन कार नहीं है? वह इतनी बड़ी नहीं है जितनी तुम सोच रहे हो। ऊपर से मेरा रूममेट रैंडी उसके अंदर अपने बैग रखता है। तुम्हें पता है मैं इसके बारे में बात करना नहीं चाहता। मेरा पॉइंट ये है कि मुझे एक नई चाहिए। क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें ये नहीं बताया कि नंगी तारों को नहीं छूते? एक मिनट, क्या माफ करना, क्या था ये? क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें ये नहीं बताया कि रबड़ वाली चीजों को करंट नहीं पकड़ सकता है? इसका मतलब तुम मुझे नहीं पकड़ सकते। अच्छा, मुझे लगा ये कोई सस्ते पार्टी स्टोर वाले ग्लव्स। ये हर कोई मेरी खरीदी हुई चीजों का मजाक क्यों उड़ा रहा है? मैं ये ब्रांडेड जगह से लाया। ये देखो उनका कार्ड, क्या है ये देखो क्या लिख रखा है इन लोगों ने। डिस्ट्रैक्ट हो गए ज़ोंबोज़ो, हम एक अच्छी लड़ाई के दरमियान में है। मेरी फिक्र मत करो ग्वेन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हिप्नोटाइज नहीं हूँ और मैं सब सही कर रहा हूँ। ओह, ये कितना करीब था। ठीक है ज़ोंबोज़ो, तुमने इसके लिए कहा था ना? ग्रैंडपा, इससे बाहर निकलिए। ओह ग्वेन, तुम्हें पता है मैंने क्या सपना देखा? मैंने ये सपना देखा कि ज़ोंबोज़ो ने फिर से हमारी रेस बकेट को हाईजैक के लिए। मैं भी ना। ओह बॉय, क्या सपना था। एक मिनट, क्या सचमुच में अभी वही हो रहा है जो मैंने देखा? चलो देखें क्या तुम इससे बच पाओगे। हे, क्या हुआ यार? तेज स्पीड इस लड़ाई को बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बना रही थी। वैसे तुम्हारी बात में दम है यार। और ये मैंने इसे बांध दिया। क्या सब खत्म? हाँ, जब मिलके काम करो तो पता ही नहीं चलता कि काम कब खत्म हो गया। टीम टेनिसन गो, चलो पुलिस के आने का वेट करते हैं बच्चों। बहुत देर हो गई। ये भेड़िया इन चीप ग्लव्सों से अच्छी है क्योंकि मैं उन्हें लाया था पावोई वाले स्टोर से और वो चीप स्टोर था। ओके बच्चों, हम रोड पर वापस। अब बताओ तुम कहाँ जाना पसंद करोगे? अब कोई मुसीबत नहीं आने वाली। हम लोगों ने अभी तक दुनिया का सबसे बड़ा कोन कॉर्ब नहीं देखा। 50 फीट लंबा। और हमने अभी तक दुनिया का सबसे बड़ा एग सैलेड भी तो नहीं देखा। तुम्हारा कोई प्लान है बेन? समर वेकेशन खत्म होने से पहले कुछ देखना चाहो? हाँ, नई सुमो स्लैमर्स गेम का हाई स्कोर मेरी स्क्रीन पर। कम ऑन बेन, अपनी नाक को अपनी स्क्रीन से मत चिपकाओ। पिक्सल हॉल ऑफ फेम के बारे में क्या ख्याल है? कम ऑन बेन, मुझे पता है तुम्हें पिक्सल्स पसंद है। मैं उनसे बोर हो गया हूँ। ठीक है, तुम्हें क्या बुरा लग रहा है?
मुझे लगता है मुझे छुट्टियों की जरूरत है। हम पहले ही छुट्टियों पर हैं, समर वेकेशन पे। नहीं, मेरा मतलब है मुझे मेरी छुट्टियों के लिए छुट्टियां चाहिए। ओहो, मतलब ट्रैवलिंग करते हुए और दुनिया को बचाते हुए और एलियन से लड़ते हुए तुम काफी थक चुके हो, है ना? मैं ठीक नहीं हूँ ग्रैंडपा, मैं बस। अब ये मत कहना तुम बोर हो रहे हो फिर से। नहीं, मैं बोर नहीं हूँ, मैं बस अपना काम करना चाहता हूँ। तुम्हें तो पता है यार, जब से तुम्हें ये फौज मिली है हम यही काम तो कर रहे हैं। मुझे पता है हम तुम्हारे साथ हमेशा रहते हैं। तो तुम एक हीरो नहीं बने रहना चाहते या तुम हमारे साथ काम नहीं करना चाहते? अजीब है। मेरी बात का बुरा मत मानना ग्वेन, मेरे एलियंस ऑसम है ये मुझे पता है, और मैंने कभी उनका ट्रू पोटेंशियल नहीं दिखाया क्योंकि कोई मेरे हमेशा साथ रहता है और मुझे बताता रहता है। तो इसमें बुरा क्या है? मदद मांगने में कोई शर्म वाली बात तो नहीं? यही तो बात है, मैंने कभी मदद मांगी ही नहीं। जो मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे अकेले ही देख लूंगा। अच्छा तो जरा इसे भी देख लो।